हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल ओवियन। गाइस, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के डाउट्स के ऊपर होने वाली है। काफी सारे कमेंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं, उसमें कॉमन चीजें रहती है वो ये कि फॉरेक्स में ट्रेड कैसे लें, MT4 टर्मिनल में ट्रेड कैसे लेते हैं, फॉरेक्स के कौन से ब्रोकर को चूज करना चाहिए और बहुत कुछ। फॉरेक्स की बेसिकली नॉलेज की कमी है लोगों के पास, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। लास्ट तक वीडियो को देखना मस्ट है आप लोगों के लिए। अगर फॉरेक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, प्लस लाइव ट्रेड लेने वाले हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड, बहुत कुछ। एक और चीज, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा कौन सा नहीं। तो आज हम यूज करेंगे OctaFX, एंड OctaFX पे मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्रेड लेके, एंड बहुत सारी चीजें, पूरी एजुकेशन मटेरियल के साथ वीडियो अपलोड होगी। तो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलेगा। पसंद वीडियो आई ना तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आप लोगों की रिकमेंडेशन और आप लोगों की कमेंट्स पे, मैसेजेस पे, सजेशन पे, फीडबैक पे वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पे। तो यार एक लाइक मुझे लगता है आप लोगों की तरफ से बनना चाहिए, एक लाइक इक्वल्स टू माय मोटिवेशन, तो आपको हमेशा पता ही रहता है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने गूगल पे सर्च किया है OctaFX। OctaFX के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यार बहुत सारी क्वेरीज मिलते हैं मुझे रिगार्डिंग द सेम कि सर OctaFX क्या है, कैसे ले सकते हैं ट्रेडिंग, कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे, कितना लिवरेज है यहाँ पे, क्या है पूरा प्रोसेस यहाँ का, वो सारी आप मुझे बताइए। तो बहुत सारे कमेंट देख के मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो OctaFX मैंने सर्च किया गूगल पे, काफ़ी सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाती हैं। अगर आप इनकी रेटिंग्स चेक करना चाहते हैं तो गूगल पे, यहाँ पे देखो रेटिंग्स भी आप चेक कर सकते हैं, फॉरेक्स रेटिंग फेसबुक पे, काफ़ी सारी जो रेटिंग प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप जाके रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो, कमेंट्स भी देख सकते हो अबाउट दिस OctaFX। मैंने चेक किया, मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही मिला। अब जाते हैं OctaFX के, जैसे मैंने किसी भी लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट होता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे लॉगिन और साइनअप के ऑप्शन से आप साइनअप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो इसको तो साइनअप कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर और बहुत ही बेसिक सी ईमेल डिटेल, ईमेल आईडी, और वहाँ से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं इस इंटरफेस में OctaFX के। तो लॉगिन करने के बाद, साइनअप करने के बाद आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, और मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। और लॉगिन करने के बाद आप चेक कर पा रहे हैं कि ये कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। जब आप अपने प्रोफाइल पे आओगे तो ये इंटरफेस आपके सामने दिखने वाला है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपको 4 से 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं, विड्रॉ का, प्राइस, लॉट्स का, माय बोनसेस का, ट्रेडिंग का एंड डिपॉजिट का। डिपॉजिट एंड विड्रॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये सिनेरियो। तो अभी हमें डैशबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं रियल अकाउंट हमारा है, जिसमें अभी वॉलेट में कितना है, $699 अभी वॉलेट में पेंडिंग है। ओके, सो अब देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे सिनेरियो है कि ट्रेड ले सकते हैं और क्या प्रोसेस है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट पे कर दिया है क्लिक, एंड लेट्स सी कि क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए ऑप्शन बेसिकली मिल जाते हैं इंडियन लोकल बैंक्स, करंट अकाउंट बैंक को आप यूज़ कर सकते हो, बिटकॉइन जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, स्क्रिल आप यूज़ कर सकते हो, नेटलर यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि पहले जो, जहां तक कि मुझे याद है, OctaFX जो है आपको पेटीएम भी प्रोवाइड करता था, बट फिलहाल अभी मुझे यहां पे कुछ दिख नहीं रहा। ओके, सो अब मैं वापस बैक आ जाता हूं। सेम विड्रॉ की बात करते हैं तो विड्रॉ में भी आपको सेम मेथड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप जैसे अपना फ़ोन का मोबाइल रिचार्ज करते हो, वैसे ही सेम यहां पे एक टॉपअप होता है, मतलब आप रिचार्ज करके यहां पे अकाउंट में बैलेंस ले सकते हो। सेम बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे मैं जैसे ट्रेड सेक्शन पे क्लिक करूँगा, मैं इस इंटरफेस पे आ जाता हूँ, ये इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा खुल के। ये इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एक पॉपअप आएगा जैसे ही मैं इंटरफेस पे लॉगिन करूँगा। तो वहाँ पे मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे से मांगेगा। ये सारी डिटेल्स आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगी जब आप रजिस्टर करोगे, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रेड कैसे लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रेड लेनी कैसे। तो सबसे पहले एक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, OctaFX जो है वो आपका 1.50 का लिवरेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप मतलब अपनी पैसे के काफ़ी मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, मतलब आप कई गुना पैसा आपको एज अ वर्चुअल मनी मिल जाता है यूज़ करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट वॉच, यानी आपको करेंसीज दिख रही होंगी जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि आज सैटरडे है तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता, बट आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखोगे चार्ट जो है 1 घंटे पे अनेबल है। यहाँ पे देखो जैसे हम बाइनरी में करते हैं सेम चीज़ें यहाँ पे है, बट हालांकि ये फॉरेक्स है
थोड़ा बहुत अलग है, प्रोसेस अलग है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूं, देखिए बाइनरी जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलता है, एंड फॉरेक्स जो है लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड रेशियो के साथ होता है। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो आप यहां पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आता हूं यूरो यूएसडी पे, मैंने किया क्लिक तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मेरे को मिल जाता है। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप यहां पे मिनिमम जो सेट कर सकते हो वो कर सकते हो 0.01, यानी लॉट साइज आप बहुत छोटा यहां पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस यहां पे आप लगा सकते हो, तो स्टॉप लॉस देखो अभी ये मार्केट के हिसाब से कर मेरे को लगाना होता तो मैं लगाता 1.1088 या 85 अगर मैं लगा सकता था। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की, वो यहां पे आप निकल सकते हो प्रॉफिट लेके जितना आप एग्जीक्यूशन में प्रॉफिट रखते हो। कमेंट में आपको कोई जरूरत नहीं है मार्केट एग्जीक्यूशन को छेड़ने की, कोई जरूरत नहीं है। और बाय और सेल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका जो ऑर्डर है वो हो जाता है प्लेस, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और देख यहां पे आपका जो नीचे है वो ऑर्डर की टाइमिंग आपको देखने को मिल जाएगी कि आपका जो ऑर्डर है इस पर्टिकुलर टाइम पे प्लेस हुआ है और इतना टाइम आपको लगेगा ऑर्डर को क्लोज होने में। आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहां पे एक देखने को मिल जाता है, जहां से आप ऑक्टा एफएक्स के कस्टमर सपोर्ट का फायदा ले सकते हो। अगर आपको कोई इश्यू होती है विड्रॉ या डिपॉजिट से रिलेटेड या इनके इंटरफेस से रिलेटेड तो आप यहां पे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं ऑक्टा एफएक्स के न्यू अकाउंट के टाइप्स की, तो यहां पे आप देखोगे तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास यहां पे। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है मेटा ट्रेडर 4 का, जो माइक्रो अकाउंट जिनको ये बोलते हैं। यहां पे हम स्टार्ट कर सकते हैं 1500 रुपीज से, और 1500 रुपीज से हम यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड है अभी, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं मोस्ट पॉपुलर प्लान है इंडिया के अंदर तो खास करके। अब प्रो की बात करते हैं तो प्रो में देखो ये कुछ एडिशनल चीजें आपको मिल जाती हैं, और यहाँ पे आप जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आता है ECN, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो आपको सी ट्रेडर के नाम से मिलेगा, प्रो में आपको मेटा ट्रेडर 5 के नाम से जो ऑप्शन है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्टा एफएक्स ने एक फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट रखी हुई है। मतलब अगर आप, जैसे कि आपको पता है कि डॉलर के रेट जो है वो कभी हाई होते हैं कभी लो होते हैं, तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए ऑक्टा एफएक्स ने एक फिक्स अमाउंट रख दिया है। यानी डॉलर का अमाउंट उन्होंने रखा है 55, यानी $1 इक्वल्स टू 55 रुपीज। अब कभी ये बड़ा जाए, हाई जाए या लो जाए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि यहां पे देखेंगे आप पर्सनल एरिया इन्फो, मतलब अगर आप बिजी रहते हो, मतलब आप वर्किंग प्रोफेशनल गाय हो, आप काम करते हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो साथ साथ में, तो यहां पे आपको लैपटॉप इंटरफेस में लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जा सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन, इजीली आपको अवेलेबल है, रिव्यूज पढ़ सकते हो वहां पे जाके, रेटिंग्स देख सकते हो और बहुत कुछ। यहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को और कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपनी ट्रेड्स को, एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो एंड बहुत कुछ, ठीक है। एंड अब जो बताता हूं एक इंपॉर्टेंट और मजेदार ऑप्शन यहां पे, तो यहां पे मैं ट्रेडिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, देखिए यहां पे मेरे पास MT4 एंड्रॉइड के लिए, आईफोन के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप के लिए भी मुझे जो है ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि MT4 में यूज करो, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है और डिस्क्लेमर मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो ये कि यार मार्केटिंग, जब आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हो या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को, तो रिस्क शुड बी देयर, मतलब रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो आपका पैसा है, आपका डिसीजन होना चाहिए पैसे के पीछे, मतलब एडवाइस हर किसी के लो बट डिसीजन शुड बी योर्स, ठीक है। अपना पैसे को संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जैसे भी आप संभालना चाहो, आपको संभालना है पैसे को, तो आप उस तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है। अब मैंने बोनसेस पे क्लिक कर लिया है तो फिलहाल यहाँ पे देखो कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास बोनसेस का। प्राइस लॉट्स पे जाते हैं तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो लॉट्स पे मिल रही है हमको, तो ये भी अच्छी बात है, हम ले सकते हैं। ओके, ऑक्टा एफएक्स का बैग एंड काफी सारे जो गिफ्ट है वो भी यहाँ पे ऑक्टा एफएक्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। 2500 लॉट्स अगर आपके हो जाते हैं तो आपको मिलता है मैकबुक प्रो, एंड देन अगर आपके हो जाते हैं 2100 लॉट्स तो आपको मिलता है मैकबुक एयर। तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत मजेदार ऑफर्स हैं यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इनको रिडीम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो है मेरा देखो माय प्राइस लॉट्स 24 है, आई डोंट नो, और ऑर्डर हिस्ट्री अभी जीरो है, तो 24 में क्या ले सकता हूँ भैया मैं, देखते हैं 24 तक, मतलब मैं यहाँ तक ले सकता हूँ फ्लैश ड्राइव 3-in-1, ये मैं अभी तक ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लेना, मैं अभी थोड़ा सा वेट करूँगा एंड कोशिश करेंगे अभी कि हम थोड़ा नीचे जाएं, एटलीस्ट एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन तक तो पहुँचें फिर देखते हैं। ओके, सो गाइज अभी
आपको मुझे लगता है सारा सिनेरियो होगा वो लगभग लगभग समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। एक और चीज, अगर किसी को भी डाउट होता है रॉकटा एफएक्स के बारे में, तो गूगल पे ऑक्टा एफएक्स के रिवॉर्ड्स भी आप सर्च कर सकते हो कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ऑक्टा एफएक्स की। मैं आपको थोड़ा सा लॉग आउट करके भी इस एप्लीकेशन के बारे में यानी इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है लॉग आउट। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप जो है उनके जो सर्विसेज देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे आप चीज़ें बहुत कुछ कर सकते हो। अब डायरेक्टली इन्होंने मुझे जो है यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया है। पहले मैं सारे जो टैब्स हैं उनको कर देता हूँ क्लोज, एंड देन अब मैं आता हूँ होम पे। तो यहाँ पे होम पे डायरेक्टली ये लॉग इन ही मांग रहे हैं, तो मुझे लॉग इन नहीं करना भैया, मुझे इस इंटरफेस पे लॉग इन। ओके, सो अब हम जाते हैं गूगल पे, एंड देन अगेन जो ऑक्टा एफएक्स की वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑक्टा एफएक्स, एंड देन ऑक्टा एफएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट अगर हमें मिल जाती है तो वहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि कुछ हमें अलग और कुछ नया देखने को मिलता है वहाँ पे। तो देखें, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ऑक्टा एफएक्स की, ECN STP ब्रोकर 2019 का अवार्ड यहाँ पे मिला है ऑक्टा एफएक्स को, और काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है ये ब्रोकर, बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आओ, क्योंकि आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ ना लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, आप देख सकते हो जो चीज़ें हैं मैंने आपको सारी डिस्क्राइब कर दी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपको एक कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कॉपी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कॉपी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। देखिए, कॉपी ट्रेडिंग इन द सेंस मतलब आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। आपको अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यार अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे मतलब बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करो, बट फिर भी अगर आपका मन है इन्वेस्ट करने का तो आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइक कॉपी ट्रेडिंग में आप कैसे कर सकते हो, थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी लो फिर आप यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पे जब आप आते हो ओपन अकाउंट में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, देन आप साइन इन के प्रोसेस पे जा सकते हो। बस सिंपल सी, मैंने आप यहाँ देखो साइन इन कर लिया है, सेम उसी इंटरफेस पे मैं लॉग इन हो जाऊंगा जिस इंटरफेस पे अभी मैं था। देखो यहीं पे मैं इंटरफेस पे लॉग इन हो गया हूँ, स्टेटस मेरा है सिल्वर जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं। एंड बाकी उम्मीद करता हूँ यार जो डिटेल्स मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी वो पहुँच गई होंगी। ट्रेडिंग कैसे करते हैं फॉरेक्स में आप बिल्कुल समझ गए होंगे, एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑक्टा एफएक्स इज़ वन ऑफ देम, एंड बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, इंडिया के अंदर उभरता हुआ आ रहा है। और बाकी आपकी मर्जी है यार, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, चॉइस भी आपकी होनी चाहिए, मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ। चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना तो अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं होते हो तो बहुत कुछ करोगे मिस। चलिए गाइस यार, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।